शादी का जादुई लहंगा और चूड़ा। मोहनपुर गांव में रचना अपने माता पिता के साथ रहती थी। रचना का परिवार बहुत ही गरीब था। रचना के पिता पुरुषोत्तम जगह जगह मजदूरी का काम किया करते थे, जिससे जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पुरुषोत्तम के घर लड़के वाले आते हैं और उन्हें रचना पसंद भी आ जाती है। तभी वह शादी की बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, देखिए पुरुषोत्तम जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत ही पसंद आई है और हमारे बेटे ने भी आपकी लड़की को पसंद कर लिया है, तो हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर एक ही महीने के अंदर इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। वैसे भी शुभ मुहूर्त में देरी नहीं करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अरे अब मैं क्या राय दूँ, आप लोग लड़के वाले हैं, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा ही करेंगे। तो ठीक है पुरुषोत्तम जी, अब तो आप शादी की तैयारियाँ कीजिए, अब तो मुलाकात शादी में ही होगी। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही पुरुषोत्तम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ उसकी पत्नी निर्मला आती है और अपने पति को यूं परेशान देखकर उनसे पूछती है, अरे आपने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ क्यों किया, वो भी एक महीने के अंदर? आखिर हम शादी की इतनी सारी तैयारियाँ इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे जी? आपको तो अपने घर की हालत पता ही है ना कि हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी बेटी की शादी की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? निर्मला, इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। लड़के का परिवार बहुत ही अच्छा है और लड़का शहर में अच्छा कमाता भी है। शादी कर उस घर में जाएगी तो कितनी खुश रहेगी, बस यही सोचकर हमने हाँ कर दिया। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना हमारे पास तो अपनी बेटी को देने के लिए ना ही शादी के चूड़े हैं और ना ही लहंगा, ये सब भी तो हमें ही खरीदना पड़ेगा ना जी। तुम चिंता मत करो निर्मला, मैं एक ठेकेदार को जानता हूँ, मैं उसके पास जाकर कुछ काम मांगता हूँ। मैंने सुना है वह एक अच्छे इंसान है, वह सबकी मदद भी करते हैं, तो शायद मुझे भी वहाँ कोई काम मिल जाए। उसके बाद पुरुषोत्तम उस ठेकेदार के पास जाता है और उनसे कहता है, साहब मुझे भी कुछ काम दे दीजिए, मुझे इस समय काम की बहुत जरूरत है, आप जो भी दाम देंगे मैं उसमें कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे काम दे दीजिए। तुम चिंता मत करो पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें काम दूंगा, बस तुम पूरी ईमानदारी से अपना काम करना और फिर तुम्हारे काम का जो भी हिसाब होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद अगले दिन से पुरुषोत्तम 24 घंटे मजदूरी का काम करने लग जाता है और वह जरा भी आराम नहीं करता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा थक जाता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन पुरुषोत्तम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह वहीं पर चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ के कुछ मजदूर पुरुषोत्तम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं और डॉक्टर निर्मला के हाथ में हॉस्पिटल और दवाइयों का बिल पकड़ा देता है। निर्मला डॉक्टर को वह सारे पैसे दे देती है जो पुरुषोत्तम ने इतने दिनों में कमाए थे और उसके पास अब कुछ नहीं बचता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद पुरुषोत्तम ठीक हो जाता है और डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। तभी रचना अपनी माँ से कहती है, माँ अब तो घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो हम पापा की दवाइयाँ कैसे खरीदेंगे और अब अपने घर का खर्चा कैसे चलेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं बाहर जाकर घरों में काम मांगने की कोशिश करती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं कोई काम तो मिल ही जाएगा, जिससे कि हमारे घर का खर्चा तो निकल जाएगा, तुम बस घर में रहकर अपने पापा का ध्यान रखना। निर्मला कुछ बड़े घरों में काम मांगने की कोशिश करती है और उसे एक बड़े सेठ के घर साफ सफाई का काम भी मिल जाता है और वह रोज काम पर जाने लगती है, लेकिन तब भी उससे इतनी कमाई नहीं होती थी, वह उससे बस अपने पति की दवाई और घर के खाने पीने का खर्चा ही निकाल पा रही थी।
तभी एक दिन रचना अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी शादी का दिन आ रहा है और हमने अभी तक ना तो शादी का चूड़ा खरीदा है ना ही लहंगा लिया है। मुझे पता है मेरी बेटी, पर मैं क्या करूं? मैं इतने पैसे ही नहीं जुटा पा रही हूं कि तेरी शादी के लिए चूड़ा और लहंगा ले सकूं। माँ अगर हमारे हालात ऐसे ही चलती रही तो मैं शादी का चूड़ा और लहंगा कैसे ले पाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रचना की बात सुनकर निर्मला बहुत ही परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। उसके बाद निर्मला अपने कमरे में जाकर अपनी पुरानी अलमारी से कान के झुमके निकालती है और उसे रचना के पास ले जाकर कहती है, बेटी यह कान के झुमके मुझे मेरी माँ ने दिए थे। मैंने आज तक इसे बहुत ही संभाल कर रखा है, लेकिन आज इस मुश्किल की घड़ी में मुझे इसे बेचना पड़ेगा। उसके बाद निर्मला सुनार के पास जाती है और उस झुमके को बेच देती है। उससे जो भी पैसे मिलते हैं, वह उन पैसों से रचना को शादी का चूड़ा और लहंगा दिलवाने मार्केट में चली जाती है। भैया यह लहंगा कितने का है? यह लहंगा 10,000 का है, पर आपकी बेटी ने जो लहंगा पसंद किया है वह 15,000 का है। अरे भैया यह तो बहुत ही महंगा है, इससे सस्ता लहंगा है क्या कोई? हाँ इससे सस्ता लहंगा 5,000 का है। अरे भैया यह भी तो बहुत ही ज्यादा बता रहे हो आप, इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। आपके पास कोई 2-3 हजार का लहंगा है क्या? नहीं बहन जी, हमारे पास इससे ज्यादा सस्ता लहंगा नहीं है। यह सुनकर निर्मला उदास होकर वहाँ से चली जाती है। निर्मला काफी सारे दुकानों में जाकर देखती है, लेकिन उसे इतने कम पैसों में कहीं भी कोई लहंगा नहीं मिलता है। वह दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। तभी पुरुषोत्तम उससे पूछता है, निर्मला तुम तो मेरी बेटी के लिए लहंगा और चूड़ा लेने गई थी ना, तो यूँ खाली हाथ कैसे आ गई? हमारे पास जितने भी पैसे थे जी, उसमें कोई भी हमें शादी का ढंग का लहंगा देने के लिए तैयार ही नहीं था। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? निर्मला यह सब मेरी वजह से हो रहा है ना, ना ही मैं बीमार पड़ता और ना ही सारे पैसे मुझ पर खर्च होते। मैं उन पैसों से अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा लहंगा और चूड़ा दिलाकर उसे बहुत अच्छे से विदा करता। पिताजी आप ऐसे परेशान मत होइए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मेरे लिए तो यही काफी है। शादी का लहंगा और चूड़ा तो कभी भी ले आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ठीक हो जाइए। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहा और अब शादी को एक ही दिन बचा था। घर में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान और चिंता में थे। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, अरे भगवान के नाम पर कोई कुछ दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। भगवान तुम्हारी सारी मुश्किलों को दूर करेगा, मुझ गरीब की मदद करो। तभी रचना अंदर से थोड़ा सा खाना लेकर आती है और अम्मा से कहती है, अम्मा यह लीजिए खाना, अब इससे ज्यादा हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह बूढ़ी अम्मा उस खाने को खा लेती है और वह रचना को उदास और दुखी देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? उसके बाद रचना अपने घर की सारी परेशानियां उस बूढ़ी अम्मा को बताती है। अरे बेटी तुमने मुझ भूखे को खाना खिलाया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास यह संदूक है, यह मैं तुम्हें दे रही हूँ और इस संदूक को तुम अपनी शादी वाले दिन ही खोलना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इतना बोलकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और शादी वाला दिन आ जाता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि अब वे लोग क्या करेंगे। तभी रचना बोलती है, भगवान आज मेरी शादी है और मेरे पास शादी में पहनने के लिए ना ही कोई लहंगा है और ना ही चूड़ा है, यह कैसी लाचारी है भगवान। रचना यह सब सोचकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी। तभी उसके दिमाग में बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ वह संदूक याद आता है। रचना उस संदूक के पास जाती है और उसे खोलती है।
तभी उस संदूक में से बहुत ही सुंदर चूड़ा निकलकर बाहर आ जाता है। अरे वाह, यह चूड़ा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और चमकीला है, जैसे आसमान के सारे तारों की चमक इसी में आ गई हो। रचना उस चूड़े को देखकर बहुत ही खुश होती है। वह उन चूड़े को उठाकर अपनी माँ के पास जाती है। तभी निर्मला यह देखकर कहती है, अरे बेटी, तुम्हारे पास इतना सुंदर चूड़ा कहाँ से आया? उसके बाद रचना अपनी माँ को उस बूढ़ी अम्मा के दिए हुए संदूक के बारे में बताती है और कहती है, माँ, मेरे पास मेरे शादी में पहनने के लिए चूड़ा तो आ गया, बस काश कहीं से मेरी शादी का लहंगा भी मेरे पास आ जाता तो कितना अच्छा होता। रचना के ऐसा बोलते ही उस चूड़े में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शादी का लहंगा आ जाता है, जिसे देखकर रचना और उसकी माँ हैरान हो जाती है। अरे रचना बेटी, मुझे लगता है यह कोई मामूली चूड़ा नहीं बल्कि जादुई चूड़ा है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। हमें इसे एक बार और इस्तेमाल करके देखना चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हे जादुई चूड़े, मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दो। रचना के ऐसा बोलते ही उसके पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और बेड पर से खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा। मैं तो अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था, यह तो जादुई चूड़ा है। शुक्र है उन बूढ़ी अम्मा का, उन्होंने हमें यह संदूक दिया। शादी के दिन वे लोग जादुई चूड़े और लहंगे से बोलकर शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। उसके बाद बारात भी आ जाती है। तभी लड़के की माँ पुरुषोत्तम से कहती है, अरे भाई साहब, शादी की तैयारियां तो ठीक है, लेकिन थोड़ा लेन देन की बातें भी कर ही लेते हैं। आप ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 लाख नगद और सोने की अंगूठी मेरे बेटे को दे दीजिए। इतना तो बनता ही है ना, आखिर मेरा बेटा शहर में कमाता है। देखिए बहन जी, मैं एक मामूली सा मजदूर हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। अरे यह कैसी बात हुई, यह सब मैं कुछ नहीं जानती। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी है तो उसकी शादी में इतना तो लेना बनता ही है। पर बहन जी, मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आऊँगा। देखिए भाई साहब, वो सब मुझे नहीं पता। या तो आप ये सारी चीजें दीजिए वरना यह शादी नहीं होगी। पुरुषोत्तम यह सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी रचना वहाँ आ जाती है। अगर आपको यह शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, पर मैं आपको इस तरह सौदा करने नहीं दूंगी। अरे बेटी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। सही कह रही हो पिताजी, मुझे ऐसे लालची लोगों के घर में नहीं जाना जो रिश्तों को पैसों से तोलते हैं। आज ये पैसे मांग रहे हैं, कल कुछ और मांगेंगे, इसलिए ऐसे लोगों से मुझे कोई रिश्ता नहीं करना। आप लोग बारात वापस लेकर जा सकते हैं। तभी लड़के की माँ बारात लेकर वापस चली जाती है और वहाँ रचना अपनी शादी टूट जाने की वजह से कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि वह उस जादुई चूड़े और लहंगे की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करती है और उसकी एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। तभी एक दिन वह बूढ़ी औरत वापस से उसके घर आती है और रचना के लिए बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता लाती है और वह लड़का रचना को पहली बार में ही पसंद आ जाता है और दोनों परिवारों की रजामंदी से उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है।